तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तंजीम है, तहरीक है, जो हमारे ख़िलाफ़ पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ लड़ती रही है। उसके सरबराह का नाम मुफ्ती नूर वली महसूद है, ये उनका अमीर है। और उसके अलावा उनकी एक रहबरी शूरा है जिसमें उनके मुख्तलिफ इलाकों के जो बड़े कमांडर हैं वो उसके मेंबर्स हैं। ये है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जब वो कोई कार्रवाई करते हैं, ये हमारी पिछले चंद दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल की बात नहीं कर रहा, जब से कम अज़ कम मैं इन्वॉल्व हुआ उनके साथ बातचीत में, तो मैं उस दिन के बाद से बात कर रहा हूँ। ये हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि जो कार्रवाई आप करेंगे और आप उसको ओन करेंगे, आप कहेंगे कि हाँ ये हमने की है, तो उसका क्या तरीका होगा? तो उनकी तरफ से ये था कि हमारी तरफ से प्रेस रिलीज जारी होगी, और प्रेस रिलीज मीडिया को जारी होती है, उनका एक ख़ास किस्म का पैड है उस शख्स के नाम से होती है। ये जिम्मेदारी वो ले लेते हैं, जैसे इदरीस खान की, मैंने एक मिसाल दी, उससे पहले भी उन्होंने और भी ली है, लेकिन ये इदरीस खान की जिम्मेदारी ली। उसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ऐसे लोग थे जो पहले तहरीक का हिस्सा थे, उनके साथ शाना बशाना तहरीक में मौजूद रहे हैं, लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। अब उनकी ये जो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत की और उनकी, उसके वो इस पूरे मुज़ाकराती अमल से वो इख्तिलाफ़ करते हैं। और उन्होंने बरमला भी कहा है, ओपनली भी कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना चाहते हैं। अब उसमें वो कौन है आपको पता होना चाहिए, पता इसलिए होना चाहिए कि आप तो रिपोर्टिंग करते हो रोज़ इन चीज़ों की। मैं शुरू करता हूँ वहाँ से, डेर इस्माइल खान से। डेर इस्माइल खान में मसलन एक है गंडापुर ग्रुप, गंडापुर ग्रुप है कोलाची का इलाका, कोलाची और टांग के इलाके में वो ऑपरेट करते हैं। गंडापुर ग्रुप में दो लोग हैं, एक गंडापुर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुफ्ती नूर वली के साथ हैं और हमारे साथ मुज़ाकरात में शरीक रहे हैं। एक गंडापुर ग्रुप वो है जो मुज़ाकरात का मुखालिफ है और वो हमले कर रहा है, और जब हम बल्कि काबुल में थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन्होंने यहाँ कार्रवाई की इसलिए कि वो चाह रहे थे कि ये कार्रवाई ख़राब हो, इनकी ये मुज़ाकरात ख़राब हो। उसके बाद थोड़ा सा खिसक कर इधर आते हैं, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ आ जाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक बहुत मशहूर कमांडर है, उसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हाफिज़ गुल बहादुर। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो मुसल्ला कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज पर और सिविलियंस पर वो हमले भी करता है और उनका वो ऐलान भी करता है, उसकी झड़पें भी होती हैं, उसके बंदे मारे भी जाते हैं और वो मुखालिफ है। फिर थोड़ा सा खिसक कर इधर आ जाते हैं, आपके कुरम एजेंसी और ये जो इलाका और अगजई और कुरम, यहाँ पर उनके लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ मुज़ाकरात में हैं। दौलत खान जिसको कुछ दिन पहले बम धमाके में जिसको मारा गया, वो मुखालिफ है, उसका ग्रुप है यकीनन, उसके भी लोग हैं, वो तो खुद तो मर गया लेकिन उसके वो और भी लोग हैं। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं खैबर एजेंसी में, खैबर एजेंसी में कुछ लोग फेवर में हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत में शरीक हैं, उन्हीं के कुछ ग्रुप हैं जो नहीं मान रहे, जो मुखालिफ हैं। मोहम्मद एजेंसी में कई ग्रुप हैं, जो एक ग्रुप फेवर कर रहा है, दूसरा मुखालिफ है। वली खुरासानी जिसको, अब्दुल वली खुरासानी जिसको अभी कुछ दिन पहले पक्तिका में जिसको आईईडी में मारा गया, वो जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मरकज़ी रहबरी शूरा का मेंबर है। ये दरवाज़ा दावर लग रहा है यार, रहबरी शूरा का मेंबर है, था सॉरी, लेकिन उसके साथ नीचे कुछ लोग थे मोहम्मद एजेंसी में ही जो कि इख्तिलाफ रखते हैं और वो बार बार मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके अपना नाम बताते हैं। बाजवड़ में ऐसे कई ग्रुप हैं, मसलन मौलवी फ़कीर मोहम्मद है, मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो है वो हुकूमत के साथ या हमारे साथ मुज़ाकराती अमल में शरीक है और वो उनका बड़ा सीनियर लीडर है, लेकिन उसके मुखालिफ ग्रुप्स हैं जिनमें दीर के इलाके का, बाजवड़ के इलाके का जो सरहदी बाउंड्री है, यहाँ का फीज़ुल्ला कोचवान एक कमांडर है जो कि हमारे ही MPA लियाकत पर हमले में भी जिसका नाम आया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुलविस है लेकिन उसका नाम आया है, तफ्तीशी इदारों ने कहा है कि ये कार्रवाई उसकी थी, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुफ्ती नूर वली के ग्रुप ने उस कार्रवाई को डिसोन किया, उन्होंने कहा ये हमने नहीं किया, कोचवान ने किया, कोचवान उनका मुखालिफ है। इसी तरह फिर स्वात में आ जाते हैं, स्वात में भी कई ग्रुप हैं, कुछ वो लोग हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हैं, एलाइड हैं और जो बातचीत के फेवर में हैं, वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो या मुज़ाकरात में शरीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे ग्रुप हैं जो मुसल्ला कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो वाकयात हुए हैं इनमें से कुछ TTP नूर वली ग्रुप ने किए हैं, उन्होंने उसको तस्लीम किया और कुछ को मुखालिफ लोगों ने किया। ये मेरा पूरी ये जो मैंने आपको सबक पढ़ा है ये इसकी वजह थी।